यूनिक्स कैमरे में आ रहा है क्या? आ जाए यार भाई, छूता ही हूँ। क्या हाल है मेरे भाई, वेलकम बैक टू चैनल। तो रिसेंटली जिसको नहीं पता है, इंस्टाग्राम में मैं डेली जब भी मेरे को सही लगता है, जब भी मेरे को टाइम होता है, तो मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता हूँ आप लोगों में से। एंड रिसेंटली मेरे से किसी ने पूछा कि स्पॉन्सरशिप पे वीडियो बनाओगे, स्पॉन्सरशिप कैसे लें। नाउ मैं स्पॉन्सरशिप पर्सनली, मुझे तो कोई मिलती नहीं है। मैं एक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आपकी, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या कोई कंटेंट ऐसा क्रिएटर नहीं हूँ जो इतना पॉपुलर हो कोई भी चीज़ हो। लेकिन मैंने पिछले पास्ट इतने, जब से मैं काम कर रहा हूँ, जब से मैं पूरे अपनी इंडस्ट्री पे हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किया काम किया। और ऐसा पर्सनली बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने उन ब्रांड्स के साथ काम किया है जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर मैंने खुद भी पर्सनली बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जब मुझे अपने खुद के प्रोडक्ट प्रमोट करने होते हैं। तो मैं आज उस साइकोलॉजिकल की बात करूँगा कि क्या एक कंपनी, क्या एक पर्सन या क्या एक ब्रांड देखता है किसी पर्सन पे या फिर किसी भी इंडिविजुअल पे जब भी वो किसी को स्पॉन्सरशिप देता है। तो ना, अगर आप कोई भी ऐसे स्पॉन्सरशिप के ऊपर देख रहे हैं, फिर अगर आप, क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिन पे स्पॉन्सरशिप के ऊपर बात करी कि स्पॉन्सरशिप कैसे ले, किस तरीके से ईमेल भेजना है, किन को कौन से प्लेटफॉर्म सही है रीच करने के लिए, या फिर किस तरीके से रीच करना है। तो मैं उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं बहुत ही स्पेसिफिकली इस चीज़ पर बात करूँगा कि जो कंपनीज़ होती हैं, जो ब्रांड्स होती हैं, वो क्या सोचती है, उनको क्या चाहिए और उनकी साइड क्या है, बिकॉज उनकी साइड के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, क्या चीज़ देखती हैं कंपनियाँ किसी भी कॉन्टेंट क्रिएटर में या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर पर जब वो अपने जब वो अप्रोच करती है या फिर जब वो डिसाइड करती थी लिस्ट में कि किसको अप्रोच करना है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। इस पूरी की पूरी स्पॉन्सरशिप में कि किस तरीके से जो पैसा दे रहा होता है वो क्या ढूंढता है या फिर जो पैसा ले रहा है वो क्या ढूंढता है, आपको अपनी साइड पहले से ही पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए एक अच्छी अमाउंट ताकि आप एक साइड रेवेन्यू कर सके अपने एडसेंस या फिर अपनी एफिलिएट मार्केट से, एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम जहाँ से आप पे और पैसा आ सके, बिकॉज अर्निंग इज़ दी थिंग। पैसा कमाने के ऊपर सारी कहानी है, तो वो चीज़ मैं नहीं समझाने वाला हूँ। उस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई है, वो इसी भी देख लो, सब पे एक ही कहानी चल रही है। मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि जो कंपनीज होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट ओनर होता है या डेवलपर, इस फॉर एग्जांपल अगर हम ऐप्स की बात करते हैं, वो है क्या देखता है या फिर उनको क्या चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ ये कि कंपनी एक्चुअली में करना क्या चाहती है। देखो, हर कंपनी अपनी एक मार्केटिंग कैंपेन चलाती है। मार्केटिंग कैंपेन, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोडक्ट है एंड इस तीन महीने, फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी मार्च, इन तीन महीनों में अगर मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सेल नहीं करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानें, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में आउट बताना चाहता हूँ लोगों की कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है इस तरीके से। तो अब मुझे क्या है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे रीच चाहिए, मुझे एक अवेयरनेस फैलानी है, ब्रांड अवेयरनेस फैलानी है। तो मैं इस टाइम पे, मुझे पता है कि मेरा जो कंपनी को पता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस फैलानी है, ताकि अगर आगे अगले जो क्वार्टर है फिर आगे जाके जब मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ या सेल्स के लिए जब जाते हैं, तो लोगों को ऐसा ना लगे एकदम से ये नया ब्रांड कहाँ से आ गया। नाउ अब कंपनी को पता है कि हमें रीच करनी है या फिर हमें सेल करनी है, उस हिसाब से वो सारे के सारे अपनी कैटेगरीज में कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स ढूंढते हैं। नाउ कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स क्यों ढूंढते हैं? सबसे पहले कोई भी कंपनी अपने पहले ऐड ही चलाती है, कोई भी डायरेक्टली कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स पे या फिर यूट्यूबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करता। कोई भी छोटी कंपनी होती, कोई भी छोटा पर्सन होता, सबसे पहले ऐड ही चलाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी ऐड चलाती है, लाखों रुपए खर्च करती है और बहुत हज़ारों रुपए खर्च करती है, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। रीज़न, क्योंकि कंपनी को उन जो लोग हैं उनको, उन्होंने उनके बारे में सुना नहीं है, उनको उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ना होता क्या है कि अब कोई कंपनी ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए पर मंथ के अपने ऐड चला रही है और उसमें 50,000 खर्च करके उनकी हार्डली 300-400 सेल आ रही है। अब क्या करती है कंपनी की, कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बोलती है कि स्पॉन्सर करती है कि आप वीडियोस बनाओ, लोगों को बताओ कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है, आप बताओ उन्हें कि आप इन प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हो, तभी आपकी ऑडियंस या फिर जो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे वो हमारे प्रोडक्ट भरोसा करेंगे। अब होता क्या कि सपोज़ उन्होंने अगले 50,000 रुपये उन लोगों पर खर्च करें जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलती है, वो वीडियोस हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहने वाली है, तो ओवर द टाइम आपको लोग वो वीडियोस देखते चले जाएंगे एंड उससे क्या होता है कि सेल्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव रिव्यूज़ बनते हैं,
लोगों को अवेयरनेस रहती है कि ऐसा कोई ब्रांड है ना हो जब आपके वो ऐड दोबारा देखते हैं, या फिर आप कभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे क्योंकि उनको आपकी कंपनी के बारे में पता है, उन्होंने सुना है क्योंकि उनके फेवरेट यूट्यूबर्स उसके बारे में बात करते हैं, तो होता है कि वही सेम 50,000 रुपये के बजट में जो अगले मंथ वो चलाने वाले हैं तो उसमें उनकी जो सेल्स होती है वो 500 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब इस तरीके से पूरी चीज़ काम करती है। ये होता है जो एक मार्केटर या फिर जो मार्केटिंग टीम होती है वो ढूंढ रही होती है ना। तो डिपेंड, पहली चीज़ ये डिपेंड करती है कि जो कंपनी है फिर जो ब्रांड है वो एक्चुअली में करना क्या चाह रही है, क्या उन्हें रीच चाहिए या फिर या उन्हें सेल चाहिए ना। अगर कंपनी को सेल चाहिए तो वो सिर्फ उन पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर्स को ही कांटेक्ट करेगी जिनकी इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत ज़्यादा है। अब इन्फ्लुएंशियल पावर क्या होती है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, मेरा लास्ट पॉइंट है। लेकिन अगर किसी कंपनी को रीच चाहिए तो रीच के लिए कंपनी उनको रीच करती है, जिनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब उसकी इन्फ्लुएंशियल पावर है या नहीं है। इसको इस तरीके समझो, अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस ई स्पोर्ट्स वाली है या फिर कोई ऐसा होगा जो रिलेट करो, इसको इस तरीके से कोई यूट्यूबर है, गेमिंग यूट्यूबर है फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी है या फिर बहुत सारे ऐसे, तो अगर मुझे रीच चाहिए होगी तो मैं उन यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करूँगा जो अपना चेहरा नहीं दिखाते, जिनकी खुद की कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। बिकॉज क्योंकि उनकी कोई कैरेक्टर नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, तो उनकी कॉस्टिंग कम होगी, उनकी वीडियोस में भी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ व्यूज़ आते हैं, तो रीच तो उनकी वो डेफिनेटली है ही, बट रीच के साथ साथ उनकी कॉस्ट भी कम है क्योंकि वो एज अ ब्रांड नहीं है। अब होता क्या कि अब लेकिन स्पेसिफिकली अगर मुझे सेल्स चाहिए, सेल्स में क्या होता है कन्वर्जन। मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई भी यूट्यूबर है, कोई बड़ा यूट्यूबर फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी को ले लो, अगर मुझे चाहिए कि मुझे सेल्स चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैरी मिनाटी या फिर जो और गेमर्स हैं जिनकी जो खुद में एज ए ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्टल या फिर डायनामो ही है। इसमें रीज़न क्या है कि ये लोग ऐसे वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के तरीके सामने आते हैं, इनको अगर इनके YouTube चैनल पर अगर मैं प्रमोट करता हूँ कोई भी सर्विस कोई भी प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा कि लोग क्योंकि बहुत दबा के फैन फॉलोइंग है, लॉयल बहुत ज़्यादा लोग लॉयल हैं इन क्रिएटर्स को लेके, तो जो भी मतलब मैं ये प्रोडक्ट प्रमोट करता तो लोग एक्चुअली जाके उस चीज़ को चेकआउट करते हैं क्योंकि उनको इन लोगों पे भरोसा है। तो होता क्या है कि जो इंसान खुद में ब्रांड है, खुद में जिसकी इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा कन्वर्जन ला के देगा कंपनी को या ब्रांड्स को जो स्पॉन्सरशिप दे रही है, एज़ कम्पेयर टू कोई रेगुलर चैनल जिसके सिर्फ व्यू आते हैं, जो खुद जिसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं है ना। दूसरी चीज़ है कि कंपनी एक्सपेक्ट क्या करती है पूरे के पूरे मार्केटिंग कैंपेन से। अब इसको इस तरह समझो, जब भी कोई कंपनी आउटरीच करती है कंटेंट क्रिएटर्स को, वो सिर्फ एक को नहीं करती, दो को नहीं करती है, वो जितना उनके बजट के अंदर आता है वो उतने लोगों को कॉन्टैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल 5 यूट्यूबर को, 6 यूट्यूबर को, 10 को, 50 को, जितने को कर सकती है मार्केटिंग डिपेंडिंग उनका बजट कितना है। अब उन्हें पहले से पता होगा कि वो एक्सपेक्ट क्या करें। देखो आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना कि ये मेरा बजट है, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो कंपनी का भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे इतनी तो चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि मेरे पास इतना बजट है और मुझे इतनी सेल्स चाहिए या फिर मुझे इतनी रीच चाहिए, तो मैं उस हिसाब से कॉन्टेंट क्रिएटर सिलेक्ट करता हूँ या फिर उस तरीके से मैं इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करता हूँ। एंड इसमें होता क्या है कि जब कंपनी को दिखता है कि मतलब मुझे कंपनी को पहले से पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इस मंथ में 250 सेल चाहिए, तो मैं ऐसे यूट्यूबर को या फिर ऐसे कंटेंट क्रिएटर या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट नहीं करूँगा जिसकी खुद की रीच कम है। क्योंकि मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे एक सेल चाहिए तो मुझे कम से कम वो मतलब कम से कम वो प्रोडक्ट जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ एटलीस्ट 2,000, 1,000, 1,500 इतने लोगों को तो कम से कम दिखना ही चाहिए। क्योंकि यही एक मतलब हेल्दी एक्सपेक्टेशन आप इस टाइम पे जो कट थ्रोट मार्केट चल रहा है, इस टाइम पे यही है कि 1,000 लोग देखेंगे तो ये एक आदमी खरीदेगा। ये मेरा मतलब मेरा ओपिनियन है, ये तो इतना तो देखती होगी कंपनी। तो मतलब मैं उसके उसको उस क्रिएटर को पकड़ूंगा जिस क्रिएटर के साथ मतलब मुझे एक ही वीडियो पे या फिर एक ही डील के अंदर मेरे को पूरी की पूरी मेरी रिक्वायरमेंट फिल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे खाली 3 या 4 ऑर्डर चाहिए तो मैं सिर्फ उन छोटे छोटे क्रिएटर्स, क्योंकि बड़े यूट्यूबर के साथ या फिर बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर के साथ जाके मेरा कोई पॉइंट फायदा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो जो डिमांड लेके आएंगे उस वीडियो के साथ, पहले तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ जो डिमांड साथ में लेके आएंगे वो डिमांड मैं फुलफिल कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 ही प्रोडक्ट हैं और मैं किसी मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल के पास जा रहा हूँ। अब अगर वो उस पर वीडियो बनाता है, वो ट्रैफिक ला रहा है, वो मतलब उसके पास कैपेबिलिटी थी 1,000 ऑर्डर देने की, मेरे को सिर्फ मेरे पास कैपेसिटी से 5 ऑर्डर फुलफिल करने की, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि कंपनी पहले से एक्सपेक्ट कर लेती है, कंपनी को पहले से पता होता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनका बजट क्या है, तो उस तरीके से ही वो रीच आउट करती है। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि कौन सा ब्रांड किस चीज़ के लिए क्या सही है ना। वो बात आती है कि कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी डील है उसकी स्पॉन्सरशिप जो अमाउंट होती है वो कैसे डिसाइड होती है। देखो नेगोशिएशन हर जगह चलता है, आप अपनी तरफ से नेगोशिएट करोगे, वो अपनी तरफ से नेगोशिएट करेंगे, लेकिन इसमें सारी चीज़ आती है कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल एक ही जो शूज़ है 300 रुपये का आता है और एक शूज़ आने को 1,00,000 रुपये का भी आता है, डिपेंडिंग करता है कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है।
अब मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? अगर आपको एक ऐसे पर्सन है जो आए दिन डेली कोई ना कोई वीडियो स्पॉन्सर कर रहे हो या कोई ना कोई इंस्टाग्राम स्टोरी स्पॉन्सर कर रहे हो, मतलब कुछ ना कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट डाल रहे हो, तो आपकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं मेरी नज़र में। मैं कभी ऐसे कंटेंट, अगर मुझे खाली मुझे अगर मुझे कन्वर्जन चाहिए, मैं किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा जो डेली कुछ ना कुछ स्पॉन्सर, बिकॉज उसके लोगों को ना माइंडसेट बन जाता है यार ये ना कुछ रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है, लोग मुझे उसमें कन्वर्जन भी नहीं मिलेगा और हो सकता है मेरी रीच भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिले जितनी उसके रेगुलर कॉन्टेंट को मिलती है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है कि जिसका जो बहुत ही रेयरली स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट करता है, तो उसमें क्या होता है, उस कॉन्टेंट की इज्जत बहुत होती है, उस कॉन्टेंट क्रिएटर की इज्जत बहुत होती है, जो कन्वर्जन वो लेके आएगा, क्योंकि वो क्योंकि उसकी फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज मतलब स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालता हूँ, तो अगर मैं 50 स्टोरी डाल रहा हूँ तो 50 में सिर्फ अगर एक ही पोस्ट मेरी स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, तो वो जो एक पोस्ट है उसमें जो रीच आएगी और उसमें जो क्लिक्स आएंगे ना भाई, वो कोई ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर जिसकी सारी की सारी 50 में से अगर 25 स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, तो उससे ज़्यादा मतलब मैं कन्वर्जन लेके आऊँगा या जो लीड्स लेके आऊँगा या फिर जो रीच लेके आऊँगा। तो इस तरीके से चीज़ काम करती है, तो कंपनी पूरा बैकग्राउंड देख लेती है कि ये यूज़र कैसा है, ये क्रिएटर कैसा है या फिर ये इन्फ्लुएंसर कैसा है। तो जो कॉस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव कितना करा, आपकी लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर कितनी है, आप ऑलरेडी मार्केट में अपने हाथ कितने गंदे कर चुके हो। अगर आप एक बिल्कुल नया नया चेहरा हो, आपको अगर ऐसा याद हो, आपको ऐसे याद हो, आप इस चीज़ को आपको दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब भी आपने देखा होगा कि कोई बंदा एकदम से पॉपुलर होता है तो कंपनी एकदम से उसको पकड़ लेती है, क्यों? जैसे छपैक मूवी आई थी जो उसकी जो रियल जिस पे वो मूवी इंस्पायर्ड है, उनको जैसी बिल्कुल नया चेहरा थी, वो ये सब चीज़ें करती नहीं, लोग एकदम से उनके साथ जुड़े हुए थे, वो बिल्कुल नया चेहरा थी, तो जैसी मतलब वो पॉपुलर हुई, जैसे हाइक हुई उनकी पूरी पूरी प्रोफाइल पे, लोगों एकदम से अट्रैक्शन आया उन्हें, अटेंशन आया उनकी पूरी प्रोफाइल पे, तो ब्रांड उन्हें भी अप्रोच करना शुरू कर दिया, क्योंकि वही टाइम है उस टाइम पे जितना उनकी प्रोफाइल्स पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स जो ट्रैफिक आता है या फिर जो फेसबुक पे जो ट्रैफिक आता है, उस ट्रैफिक को मोनिटाइज करने के लिए कंपनियाँ बहुत समझदार हैं मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं वो। आपका मतलब मैं तो बुरे सेंस में नहीं बोलता, बट मतलब वो आपसे मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने वाले, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मुझे बेस्ट कम पैसे में बेस्ट मार्केटिंग कैसे करूँ, किस तरीके से। क्योंकि अगर मुझे 1,00,000 रुपए दे के खाली 10 ही चीज़ बिक रही है मेरी, या फिर अगर मेरे बहुत ही कम रीच आ रही, तो मेरे फेसबुक एड्स और गूगल एडवर्ड भी तो चल ही रहे ना, क्या फ़र्क है दोनों में? तो कॉस्ट डिसाइडिंग फैक्टर डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर आप अगर आप महीने में, हफ्ते में, या फिर बहुत ही फ्रीक्वेंटली अगर आप अपने कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट करते हो या फिर बहुत चीज़ें स्पॉन्सर्ड कंटेंट को पोस्ट करते हो, तो आपकी ना अपीलिंग नहीं रह जाएगा कंटेंट, लोगों को पहले से पता है, लोग ना जस्ट फॉर एग्जांपल अगर स्टार्टिंग हर वीडियो के स्टार्टिंग 10 सेकंड में अगर आपकी स्पॉन्सर्ड कंटेंट है कि मतलब ये डाउनलोड कर लो, ये टूल कर लो, ये है वो है, तो भाई मैं तो पर्सनली अगर मुझे पता है कि यार इस इंसान की स्टार्टिंग 15 सेकंड येगी, तो मैं तो शुरुआती स्किप करके 1 मिनट से शुरू करूँगा। तो होता क्या है कि रीच कुछ नहीं है, कन्वर्जन कुछ नहीं आता है। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसका एक्सपेक्ट ही नहीं होता, कि कोई भरोसा नहीं ना कि कोई नया कोई ऐसा बंदा है जो डालता ही नहीं है, उसका रेगुलर कंटेंट होता है, एकदम सडनली ऐड आता, तो आपको क्योंकि आप तैयार नहीं होते हो, आप उसको स्किप नहीं कर पाते हो, देख ही लेते हो, तो उससे रीच और कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आता है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि कॉस्ट डिसाइडिंग फैक्टर डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है, आपकी मार्केट में अपील क्या है, आप कितना अट्रैक्ट कर पाते हो लोगों को, लोग कितना आप पे भरोसा करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इन्फ्लुएंशियल पावर। इन्फ्लुएंशियल पावर अपने खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मतलब क्या चीज़ है। इन्फ्लुएंशियल पावर में ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर विराट कोहली कोई बात बोल रहा है, सेम एट द सेम टाइम अगर कोई नॉर्मल बंदा कोई बात कर रहा है, तो विराट कोहली की बातों की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ही ज़्यादा लोग है, क्योंकि वो एक पहली चीज़ कि वो खुद में एक ब्रांड है, खुद में एक वेल नोन फेस है, दूसरी चीज़ है वो खुद को प्रूव कर चुके हैं। इसको इस तरह को समझो ना, अगर कोई स्पोर्ट्स मैन है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो खुद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मेडल मार दिए, ओलंपिक खेल दिया, या फिर मतलब बहुत अच्छी उन्होंने अपने को प्रूव कर दिया कि मतलब मैं अपने फील्ड में बेस्ट हूँ, अब उनके वो कितने सारे लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे। अब जो रोल मॉडल जिनके लिए, फॉर एग्जांपल कोई एक्टर ही किसी के लिए कितने हज़ारों लोगों के लिए रोल मॉडल होता है, सलमान खान की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, फिर किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल जो आपके कितने लोगों के लिए आप इंस्पायरिंग हो, कितने लोगों के लिए आप रोल मॉडल हो। तो होता क्या, अगर आपने कोई भी चीज़ बोल दी ना कि मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने डेली बेसिस पे कोई ना कोई तो आप ऐड देखते होगे या फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट देखते होगे, कि कोई बोल रहा है कि मैं ये शूज़ यूज़ करता हूँ, इस ब्रांड के शूज़ यूज़ करता हूँ, इस ब्रांड के कपड़े यूज़ करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मुझे लगता है मेरी ये पर्सनल मेरी खुद की ओपिनियन है कि लोग हार्डवर्क तो ठीक है वो तो अपनी जगह, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं अगर इनके जैसे मिमिक करूँगा चीज़ें, इनकी जैसे चीज़ें यूज़ करूँगा, यही सेम चीज़, तो मैं भी इस लेवल पर पहुँच सकता हूँ, मेरे जो चांसेज हैं उस लेवल पर पहुँचने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ही कोई शूज़ प्रमोट कर दिया, और अगर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से इंस्पायर्ड है, अगर उन्हें लगता है कि
मैं मतलब मेरे जैसा बनना चाहते हैं, तो वो ऑल उस शूज़ में इतना इंटरेस्टेड होंगे तो बोलेंगे मुकेश जोशी ये शूज़ पहनता है, मेरे को भी यही शूज़ चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है। इन्फ्लुएंशियल पावर होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डिपेंड करता है कि आपकी बात की वैल्यू कितनी है, आपने जो बात बोल दी है सोशली उस बात पर लोग कितना यकीन करते हैं उस बात पर। ब्रांड ही का मतलब ये होता है कि आपके बहुत इन्फ्लुएंशियल पावर है। कोई इंसान अगर कोई यूट्यूब या कोई कंटेंट क्रिएटर अगर ब्रांड बन गया तो वो उसकी इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वही इन्फ्लुएंशियल पावर आपकी कॉस्ट डिसाइड करती है, वही इन्फ्लुएंशियल पावर आपकी जो वही इन्फ्लुएंशियल पावर है जिस पर आपको ओवरऑल फोकस करना है। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हिस्ट्री। अब कोई भी कंटेंट क्रिएटर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जिसके जो कांडों में या फिर कोई ना कोई स्कैम्स में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, या फिर उस पर्सन की जो ऑडियंस है वो उसे बहुत नेगेटिवली देखती है, तो ब्रांड ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है क्योंकि उन्हें अपनी इमेज का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा एक्टर है जो दिन भर ड्रामे करता है, मैं नाम नहीं ले रहा बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास रीच भी है, जिनके पास लोग भी हैं, जिनकी लोग जिन पे लोग हंसते भी हैं देखते भी हैं, लेकिन ब्रांड उन्हें अप्रोच नहीं करते। उनका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि ब्रांड को अपना नाम ख़राब नहीं करना है। ब्रांड सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जुड़ता है जिनका नाम बिल्कुल साफ हो, जिनकी हिस्ट्री बिल्कुल सही हो, और ब्रांडों के साथ जिनके साथ उसने काम किया उनके साथ उसने उसके साथ कोई पंगे ना ले रखे हो या सारी चीज़ें, या फिर पर्सनली अगर उसी ब्रांड ने अगर उसके साथ पहले का भी काम किया और अगर उसने उनको तंग किया हो या फिर डील एज एक्सपेक्टेड नहीं गई होगी तो भी मतलब वो आगे दोबारा उसे अप्रोच नहीं करते। बिकॉज मेरा मानना है कि कोई भी बिज़नेस वन टाइम नहीं होता। अगर कोई कभी भी ऐसे बिज़नेस पे काम मत करो जो वन टाइम है, क्योंकि हर बार नया क्लाइंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमेशा ऐसा बिज़नेस मॉडल तैयार करो जो रिकरिंग रेवेन्यू लाता हो, या फिर जो क्लाइंट है वो बार बार रिपीट हो। रिपीटिंग क्लाइंट हमेशा आपको ज़्यादा सेल देता है, क्योंकि एक क्लाइंट जो नया बंदा है उसका पहले हमें ट्रस्ट जीतना है, उसके बाद हमें सेटिस्फेक्शन जीतना है, उसके बाद हमें उसको डिलीवरी भी करनी है, उसके बाद कॉस्ट जस्टिफिकेशन भी करनी है। बट एक बार जब सारी चीज़ हमने कर दी है तो रिपीटिंग कस्टमर को बेचना कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि हमने सारे जो हर्डल्स होते हैं जो उसके दिमाग में डिसीजन ब्लॉक्स होते हैं जो हमें रोकते हैं उस पर्सन को इस पर्टिकुलर डिसीजन लेने में कि खरीदूँ नहीं खरीदूँ, वो सारी चीज़ें हमने ओवरकम कर दी होती हैं। तो कोई भी ब्रांड या कोई भी ऐसा पर्सन हमेशा कभी इन चीज़ों पर काम नहीं करता जो वन टाइम हो। तो इसीलिए जो ब्रांड्स होते हैं कंपनीज होते हैं वो ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करती है जो फ्रेंडली हो, जिनके साथ बार बार काम करा जा सके, जो अच्छा रिजल्ट दे सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कंपनी देखती है किसी भी इन्फ्लुएंसर में, किसी ब्रांड्स में, किसी भी कंटेंट क्रिएटर पे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से मैंने जो साइड है इसमें एक्सप्लोर कराने की कोशिश करी है, मतलब मैं दिखाना चाहता था या बताना चाहता था वो ये थे कि जो लोग पैसा आपको दे रहा है उनकी साइड क्या है, क्योंकि उनकी साइड के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। नाउ कॉस्टिंग के ऊपर मैंने बात करी थी कि कॉस्टिंग डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है। बहुत सारी कंपनी का एक फिक्स बजट होता है कि इतने रुपये देंगे, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करता है बट उसका सीन ये होता है कि वो आपको पर कमीशन देता है। जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको कमीशन मिलता है, सेम चीज़ ये पर्सनली मैं करता हूँ। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि जैसे अगर मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को या फिर किसी को भी अप्रोच करता हूँ तो मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपकी रीच कितनी है, आपके व्यूज़ कितने हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं हूँ कि मतलब मुझे रीच चाहिए, ये सब चाहिए, मेरा इससे मन भर जाए। मुझे चाहिए रिजल्ट, मुझे चाहिए सेल्स। यूजुअली मैं सेल्स के लिए कॉन्टैक्ट करता हूँ, तो मैं हमेशा जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं या फिर इंस्टाग्राम जो स्टोरीज डालते हैं, पेड स्टोरीज डालते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ एक ही डील करता हूं कि आप मुझे कन्वर्जन दो और पर कन्वर्जन मेरे से अच्छा खासा कमीशन ले लो, वो चाहे 15% का हो सकता है, 20% का हो सकता है, या डिपेंडिंग प्रोडक्ट पे कितना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस बंदे के साथ काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअल से काम कर रहे हो तो आपको हमेशा बजट कम ही मिलेगा, अगर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो तो आपको हमेशा ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, चाहे वो आप उनके लिए कोई काम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर उनके लिए कोई प्रमोशन कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी तरफ से थी, जो मेरी खुद की नॉलेज है इन सब चीज़ों के ऊपर, स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी चाहिए या फिर किन चीज़ों का दिमाग में रखना चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए, तो सारी की सारी चीज़ों पे काम करो, अपनी खुद की एक प्रोफाइल बिल्ड करो कुछ इस तरीके से, और आए दिन जो भी डील आ रही है सस्ती मोटी इनके पीछे मत पड़ो। टाइम लो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को ऐसा ब्रांड बनाओ, फिर मेरे भाई एक एक डील तुम्हें इतनी महंगी मतलब इतने ज़्यादा पैसे ला के देगी ना कि तुम 50-100 डॉलर के पीछे पड़ते जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। खुद के ऊपर काम करो, खुद बड़े ब्रांड करो, ताकि जब तुम किसी कोई बंदा तुम अप्रोच करे तो भाई तुम बोलो $1,000 से नीचे तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, या फिर $500 से नीचे मैं बात ही नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ों को तुम पे दिमाग पे ध्यान पे रखना पड़ेगा। नाउ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि आप ब्रांड पे अप्रोच करो, ब्रांड पे अप्रोच करो। देखो आप कितने भी ईमेल डाल लो, $50-100 की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, फिर वो घूम फिर के वही बात है कि आपकी प्रोफाइल ख़राब हो रही है, आप आए दिन एक वही चीज़ कर रहे हो, सर्वाइवल वाली बात है। अगर आपके लिए बहुत नेसेसिटी है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, बट मेरे को लगता है कि आप अपने आप को ब्रांड बनाने पे काम करो। इस चीज़ पे फोकस रखो कि जब भी कोई ब्रांड की नज़र आप पे पड़े जिसको ज़रूरत है और जिसकी लिस्ट में आप हो,
तो वो आपके अलावा किसी और को चूज ना कर पाए। अब इस चीज़ के लिए क्या ध्यान रखना है, कंटेंट तोड़ होना चाहिए, प्रोडक्शन क्वालिटी तोड़ होनी चाहिए, एंड जो आपके फीडबैक से जो कमेंट्स आते हैं वो इतने नेगेटिव नहीं चाहिए। लोग के आपके बारे में जो ओपिनियन होनी चाहिए वो बिल्कुल 60% से नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब लोग आपसे ऐसे हेट नहीं करने चाहिए कि मतलब आधे लोग चिढ़ रहे हैं आधे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी, ऐसे लोगों के साथ ही ब्रांड जो होते हैं फिर कंपनीज होती है वो अपना नाम जोड़ना नहीं चाहती। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी कॉमेंट या फिर कोई भी सजेशन या फिर कोई भी क्वेरी है, लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम आईडी है, डू चेक इट आउट, मेक श्योर यू फॉलो इट, बिकॉज मैं वहीं पे क्वेश्चन पूछता हूँ और वहीं से मैंने ये पूरा टॉपिक भी उठाया है। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई पोस्ट रेगुलर वीडियो जस्ट लाइक दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।